कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है शुक्र है, 3 दिन बाद मुझे सोना नसीब हुआ और मैं सो गई। और मैं इतना लंबा सोई कि सुबह के 2 बज गए। अब ये कोई मेरा हाल है, मतलब पहले दिन ही कैनेडा में सुबह के 2 बजे सो के उठी हूँ। मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा आपको नहीं पता कि मैं बाहर आ गई हूँ, तो आपने मुझे सुबह टाइम पे उठाना है। मम्मा कहती हाँ बेटा, ये भी मेरी जिम्मेदारी है ना, शुक्र तुम पहुँच गई हो। खैर तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, मुझे कुछ काम है क्योंकि मेरे काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 5 बजे सब कुछ बंद हो जाना है। तो हम नाश्ता भी ना, मैंने कहा आंटी बाहर से ही कुछ पकड़ लेंगे, तो हम नाश्ता भी जो है वो बाहर से ही करेंगे। आंटी ने तो कर लिया, मुझे मैं रह गई हूँ क्योंकि मुझे ना उठाया नहीं था, क्योंकि मैं मतलब पता है उतना ज़्यादा थकी हुई थी एयरपोर्ट के वो सारे वजह से। 3 दिन से मैं नहीं सोई जहाज़ में, बिल्कुल मुझे आँख नहीं लगी। आपने व्लॉग में मेरी हालत देखी थी कहीं पर, मैं आपको लग रहा था कि मैं सोई हुई हूँ। तो खैर फिर अब मैं सो गई हूँ, सॉरी अब मैं उठ गई हूँ। और अब हम अपने जो जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। आप लोग अच्छा सा वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है ना। चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे भी मैं DM सारे पढ़ती हूँ, ठीक है ना। मैंने जो है ना वो ड्रेस चेंज कर ली और अब मैं जा रही हूँ उनके साथ नाश्ता करने के लिए टिम हॉर्टन्स पे, क्योंकि वो कह रही थी कि जहाँ पे कनाडा में है टिम हॉर्टन्स पे नाश्ता करें, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाकी मुझे बैंक में भी थोड़े से काम है, मुझे अपनी सिम भी लेनी है, सिम नंबर एक्ट नहीं हो गई है। अच्छा है, मैंने अपना जो है सारा सेट करके रख दिया। सुबह मेरी आंखों में धूप पड़ रही थी लेकिन मुझे इतनी नींद आई हुई थी कि मेरी आंख खुली भी नहीं। गाइज मैंने पहले जो है ना वाटरमेलन थोड़ा सा खाया, क्योंकि हम पहले जा रहे हैं GIC अपनी करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत लेट उठी हूँ जी। तो अभी मैं आई थी CIBC बैंक अपनी GIC एक्टिव करवाने के लिए। उन्होंने कहा है कि वो 24 घंटे लगेंगे तो फिर मेरा एक्टिव हो जाएगा। और मैं अपना जो सेम नंबर है वो चूज़ करने लगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, ठीक है। तो अब मैं आंटी के साथ आई हुई थी और अब मैं अपने जो है ना वो सेम नंबर जो है ना सेम जो है वो लूँगी, और फिर आहिस्ता है स्टेप बाई स्टेप सारे काम हो जाएंगे। अब हम जा रहे हैं वॉन मिल्स में सिम लेने के लिए मॉल में, तो अब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे गाड़ियाँ इतनी अच्छी लग रही है ना, सारी इतनी अच्छी अच्छी गाड़ी, और ज़्यादातर मैं देख रही लेडी ड्राइवर्स हैं। मैं जा रही हूँ जी के मॉल में नाश्ता करने के लिए और सिम लेनी है मुझे अपने लिए, ठीक है। हालत मेरी बहुत ख़राब है इस टाइम, मैं तो इतना तैयार हो कि नहीं है क्योंकि मुझे मॉल में जाना गाइस। मैं तो मुँह चुप के ऐसे ही आ गई थी कि बस बैंक जाऊँ। हम जो है ना ये पहले खा रहे हैं शॉर्मा, बहुत मज़े का मुझे तो लग रहा है। ये रेस्टोरेंट है हलाल बिला मदीना उधर से ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अभी फिर थोड़ी बहुत अगर देखती हूँ क्या क्या चीज़ें लेनी है गाइस। ये देखें यहाँ पे कितने मज़े की जगह है ना, ये है क्या वैसे, वाओ आउटडोर वर्ल्ड। मज़े का मुझे हमजा की याद आ गई। मैं जी फाइडो पे आई हुई हूँ अपनी सिम लेने, वो फाइडो मुझे मिल गया। अब इधर से मैं अपनी सिम लेती, पहले मैं अपनी आंटी को देखती हूँ वो किधर है, और फिर मैं अपनी सिम ले लेती हूँ। मैं अपने मेरे को शूज़ देखने के लिए आई हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं भाई, अभी तो मेरी नहीं है इतनी हिम्मत। फिर जब मैं जा रही हूँ सिफोरा कुछ लेना, तो मैंने खैर से है नहीं, लेकिन फिर भी जाके देखते हैं। ये सारा इतना मेकअप लगा हुआ मेरा, दिल तो कर रहा है मैं ले लूं लेकिन नहीं। गाइस यहाँ पे जाना सारे कोट आ गए, मैं सफोरा में गई थी, मैंने सही मेकअप कर लिया था। और अब मैं जो यहाँ पे आई हूँ, मैंने कहा अभी नहीं कुछ कपड़े लेती, कुछ अर्से तक लूँगी बैग लेके। आंटी मैंने ज्वेलरी देखने जा रही हूँ, बहुत प्यारा ये मुझे बहुत पसंद आया, मैं कह रही मामा के लिए ले लूँगी। वो कितना अच्छा, ये कितने का 50% ऑफ पे है, 40 डॉलर का। ये यहाँ पे सारे गाइस बैग्स वगैरह लगे हुए हैं, तो इसमें ये भी हैं छोटे बड़े और ये अच्छी है। गाइस मैंने ना ये ज्वेलरी ली है, मैं आपको बताती हूँ किस तरह मुझे मिली है। सारा का फेवरेट गाना लगा हुआ यार, इतने बड़े शॉपर में गाइस मुझे इतनी सी ज्वेलरी मिली है, इतने बड़े शॉपर खरीद लिया। शट डाउन गाइस, शट डाउन लगा हुआ। आज का दिन बस यही था, सुबह नाश्ता किया, वो भी बल्कि बाहर से खाना ही खाया, वाटरमेलन खाया घर पे, फिर यहाँ पर आ गए, सिम का काम किया, बैंक का काम किया, अब यहाँ पर आ गए। मामा लोगों के मेरे फ्रेंड्स से इतने ज़्यादा DMs आए हैं, अभी मैंने सबको रिप्लाई करना है। यहाँ पे ना सारा म्यूज़िक लगा हुआ है, तो अभी मैं घर जाऊँगी फिर सारा काम करूँगी और आंटी के साथ। बस आंटी अपनी शॉपिंग कर रही है थोड़ी सी, मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी ली है क्योंकि मैं वहाँ से ज्वेलरी लेकर नहीं आई थी, मैं यहाँ आके पहनूंगी। थोड़ी सी डील्स बहुत अच्छी लगी हुई है यहाँ पर, और इतना बड़ा मॉल है, इतनी ज़्यादा दुनिया। अब हम घर जाएंगे तो मैं अपनी रेजिडेंस का कुछ देखती हूँ, और जो जो भी करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एज माई फर्स्ट डे, बस उठी भी सुबह बहुत लेट थी, कल मैंने जल्दी उठना। ये देखिए जी,
इतने अच्छे अच्छे शूज़ लगे हुए, मैं ये एक ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा पाँव में ना इतनी दर्द होती है यहाँ पे चल चल के, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल है, मैं यही लेने लगी हूँ। बाकी यहाँ पे बहुत लगे हुए, मैं ट्राई कर लेती हूँ अगर कोई और मुझे देना है तो। ये एक जूता है और एक ये जूता है, कम्फर्टेबल मुझे ये लग रहा है, लेकिन दोनों में मैं चल के देखती हूँ। रुषा कुछ इस तरह के जूते पसंद है, और मैं ये देख रही हूँ कि जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी ना तो मैं रुषा के लिए ये चीज़ लेके जाऊँगी जी, साइज़ कम कर देते हैं ना वो यहाँ। ये मैं, ये कनाडा का जो पॉइंटर लैंड है, आंटी कह रही है उन्होंने कितनी दफ़ा ये लिया हुआ है। ये जी यहाँ पे भी एक कैट है मेरे पास, आंटी के घर में, इसका नाम है लोकी। अब आ गए हम घर वापस और अब मैं चुप करके जो है वो बैठी हुई हूँ, वो भी पानी पिया है, छोटी मैंने चीज़ें ली हैं, मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ जो बहुत ज़रूरी थी, ज्वेलरी वगैरह मैं वहाँ से नहीं लाई, इतना टाइम ही नहीं था ठंड के मैं शॉपिंग करती। जूते भी मैंने एक दो पेयर्स लिए थे, मुझे पता था कि वो मैंने यहाँ से लेने, क्योंकि यहाँ पे अच्छे कंफर्टेबल मिल जाएंगे। फिर जितने जब मैं आ रही थी तो मुझे काफ़ी मेरे पैसे वगैरह बन गए थे, लोगों ने ना मुझे मुबारक के पैसे दिए थे गाइस, तो फिर मैंने ना उधर से ना उस उन पैसों के ना मैंने जूते ले लिए। और बाकी जो मेरे काम थे, सिम हो गई है, बैंक खुल गया, मेरा फर्स्ट डे इतना कोई खास है नहीं, क्योंकि मैं सुबह बहुत देर से उठी थी, रात को मामा से बात करती रहा, फिर उधर वक्त ही सो गई। अभी मैंने व्लॉग देखना जो आप लोगों ने अपलोड किया ना मामा ने मेरे जाने का, मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं है क्योंकि मुझे पता है मैंने रो पड़ना है, और मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मेरी डिग्री का सारा कुछ, मेरे सारा प्रोसेस, मैं सब कुछ आपको बताऊँगी, खर्चा थोड़ा टाइम टाइम से। अभी आप कुछ व्लॉग्स इन्जॉय करें, और फिर मैं अभी तो मैं दोनों के साथ टोरंटो में रह रही हूँ, और फिर मैं अपनी जहाँ पे मेरा कॉलेज है वहाँ पे मूव कर जाऊँगी ऑन माय ओन, तब मुझे होम सिकनेस होगी। अभी तो आंटी का घर माशाल्लाह इतना बड़ा है, इतना अच्छा, कि मुझे होम सिकनेस नहीं है। इतना अच्छा शॉपिंग मॉल था, इतने ज़्यादा लोग थे, इतने डिस्काउंट्स लगे हुए थे, डील्स लगी हुई थी। और बाकी मैंने अभी कपड़े तो नहीं लेने, क्योंकि अभी मेरे पास कपड़े हैं, मैं स्वेटर पहन गई थी, क्योंकि बस पूरे मॉल में मैंने स्वेटर पहनी हुई थी, क्योंकि मुझे लेजिट बहुत ठंड लग रही है यहाँ पर आके, मेरे ना बाजू में दर्द शुरू हो गई है। अभी घर में भी मुझे ठंड लग रही है, इस मैं स्वेटर पहन के बैठी हुई हूँ, रात को भी मैं इतने गर्म कपड़े पहन के सोई थी, तो वो मुझे लेजिट यहाँ पर ठंड लग रही है। ये मैंने ज्वेलरी लिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छी डील्स पे मिल रही थी, एक मैंने ये लिया, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी डील पे मिलती, मतलब ये $1 की सारी, ठीक है, तो फिर इस तरह करके ना मेरे $15 लगे, $8 की सारी, मतलब डील्स चल रही थी ना बहुत ज़्यादा, तो फिर ये मेरे ना $15 लगे और मेरी सारी चीज़ें जो है ना वो आ गई, क्योंकि मैं ज्वेलरी नहीं लाई थी, आपको पता ज्वेलरी पहनना बहुत ज़रूरी है, और ये ठीक है, तो मैंने ये वन टाइम ही ले लिया, उसके बाद अपनी सेल्स लगी हुई थी दरअसल इन पर सारी सारों शूज़ जो हैं, ये शूज़ मैंने पोमा के लिए हैं, क्योंकि ये बहुत मुझे अच्छे लग रहे थे, बहुत कंफर्टेबल। अभी मैं पीने लगी हूँ चाय, और मैंने आंटी से कहा कि मुझे ना अपना व्लॉग देखना, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा, मुझे पता मैंने बहुत रो पड़ना। ये मुझे मेरे माने की याद आ रहा है, ये जी बॉय है, मुझे लगा था गर्ल है। आंटी अंकल के जो रेस्टोरेंट से है वो खीर आई है, और ये मुझे इतने ज़्यादा मज़े की लग रही है, बहुत पाकिस्तानी टेस्ट है इसका, देखिए इतने मज़े की है, तो मैंने तो वैसे तो मैं इतना मीठा नहीं खाती, लेकिन मुझे लगता है मैंने ये खा जाना है सारा। अच्छा ये ना मेरी आंटी के शूज़ हैं, और मैं देख रही हूँ कि इनकी कितनी हाई हील है, मतलब बहुत ज़्यादा, अरे मज़े के भी लग रहे हैं, वो बार्बी वाइब्स दे रहे हैं। रात को मैं वैसे ही आंटी के साथ बाहर आई हूँ, और उनका बिल्ला जो था वो बाहर था, और इतनी ठंड है, मुझे ठंड लग रही है बस। ये सारी गार्डनिंग आंटी ने खुद की, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने पीछे भी बहुत ज़्यादा ना वो सब्जियाँ भी लगानी है, तो गाइस मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। सारी गार्डनिंग आंटी ने खुद की हुई है, बर्ड्स की थी यूज़ की। अच्छा अच्छा, और ये हमने ये भी खुद लगाए थे सर, लेकिन इस दफ़ा ज़रा कम हुई है मुझसे। मेरे पापा से बात हुई, वो भी बड़ा खुश खुश हैं, और यहाँ पे मैं रात को आई, बस वैसे ही इधर खड़ी हुई थी, वॉक कर रही थी, ये इनका बैकयार्ड है ना, तो वो मैं कमरे से इधर आके बैठ गई, थोड़ी देर बातें करते रही, बाबा से घर वगैरह देख रही हूँ। मैंने चाय बनाने आ गई हूँ, तो बच गया, मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मैंने व्लॉग एडिट करना है। मैं यही सोच रही हूँ कि मैं एक घर से उठ के दूसरे घर में आ गई, लाइफ तो मुझे तब हार्ड लगनी है जब मैंने खुद मूव कर जाना है ना अपने ऊपर अकेले, तब सब कुछ होना है। इतनी सी भी नहीं है, बस मैंने जल्दी जल्दी ये बन जाए ताकि मैं मेरे मामा का व्लॉग देखूँ। छान वो जो पोनी नहीं होती चाय छानने वाली, मुझे वो ही नहीं मिल रही है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ से लूँ मैं छाननी, भाई मुझे छाननी चाहिए, मैंने क्या कहते हैं चाय छाननी है, मैं कहाँ से छानूँ, छाननी छाननी बोलते हैं ना, मैं तो छाननी बोलती थी पाकिस्तान में। कोई चाय का जुगाड़ लगा ही लिया, मेरे से पूछे ना कि मैंने क्या किया, और अब मैं आज ही अपना व्लॉग देखने लगी हूँ। ये ना मुझे आंटी ने सारा सामान दिया है कि अगर आपको रात को भूख लगे तो आप खा लेना, मैं सोच रही हूँ किधर, तो मैं इतना खाती थी, लेकिन यहाँ पे पता नहीं मुझे इतनी भूख ही नहीं लग रही अभी तक। मेरे पास ना शॉपिंग बैग ख़त्म हो गए थे, तो उन्होंने मुझे इतना बड़ा शॉपिंग बैग दिया जिसमें ज्वेलरी की सिर्फ 2-3 चीज़ हैं, और इसको मैं जाकर रख लूँ। अब मुझे इतनी देर हो गई और अब मैं जाके सोने लगी हूँ, तो फिर मैं सुबह उठूँगी ना, जल्दी उठना है क्योंकि मैंने व्लॉग अपलोड करना है ना, तो फिर मैं उठूँगी तो फिर मैं फिर व्लॉग एंड करूँगी। अभी थोड़ा सा फिर मैं डाल देती हूँ, मैं अपना हाथ दिखा रही हूँ। आज मैं उठ गई हूँ जल्दी जल्दी,
देखें, और बाहर बारिश हो रही है। अभी मैं मम्मा से कॉल कर रही थी तो मैंने देखा, देखें जी वाह बारिश हो रही है यहाँ पे जी, सुबह सुबह इतनी ठंड है। ऐसी ऐसी खेल रही थी लोग, आज मेरा दोस्त बना हुआ थोड़ा थोड़ा, सॉक्स पहने हुए थी गाइज मैंने। अभी मैं जा रही हूँ शॉवर लेने के लिए, तो मैंने ना ये ड्रेस निकाला है कि चुप करके अपना ये पहनती हूँ, क्योंकि आज घर पे भी रहना है, और मुझे बहुत ही कम मुझे ये कम्फर्टेबल लगते हैं। इसका नाम क्या आंटी? इसका नाम है मूंगरे। मूंगरे ऊपर लगते हैं जब मूंगियाँ आती हैं। अच्छा अच्छा सही, तो आंटी ने काफ़ी जने यहाँ पर लगाए हुए हैं चीज़ें, आलू वगैरह लगाए हैं क्या? ये मूंगरे ये देखो छोटी छोटी मैंने एक दफ़ा उतार ली थी, आम अभी नहीं उगेंगी ये रेस्टोरेंट में ये यूज़ कर सकते हैं। दिन ये यहाँ पर ये बहुत अच्छे शौक हैं, अगर आप लोग इसको थोड़ा सीरियस बंदा ले लो मज़ा इतना आता बाद में अपनी है मेरी ये चीज़ उगाई थी। वाह जी वाह, ये देखो वाह ऐसे फॉर फन मैंने उगाए थे, ये देखती हूँ कि ये क्या होता है। ये मेरी बहन को ही काम करने का शौक है, बहुत हवा चल रही है ना, बहुत विंडी है। अरे शुक्र मुझे कोई धूप नज़र आ गया, मुझे तो बहुत मज़ी बड़ी अच्छी लग रही है आज धूप यहाँ पे। ये तो मैं अब अपनी नमाज़ जो है वो पढ़ने लगी हूँ, ये मैं पाकिस्तान से लाई थी, आंटी ने भी मुझे जा नमाज़ दी थी, लेकिन मैंने मुझे ये सारा सॉफ्ट लगती है। बैठ के अभी फ्रूट्स खा रही थी तो मुझे तो ये दोनों ही फ्रूट्स पसंद हैं, बाकी अभी उन्होंने गार्डनिंग वगैरह की है तो यही हुआ अभी तक तो सारा कुछ मुझे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। स्किन पे मुझे पता है आप लोग यही कहेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हो गई है, मुझे वाकई में स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गई है। ये मुझे ना जहाज में बेसिकली हुई थी टेंशन ले लेके, लेकिन अब मैं इतनी स्किन केयर अच्छी करती हूँ अपनी, इतनी मेरी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं कि वो मतलब एक दो दिन लेता है लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तो बाकी आज मेरे बहुत ज़्यादा काम हो गए थे, जो भी मेरे बैंक के काम थे सारे, बैंक अकाउंट का एक्टिव था और सिम का काम था और जो जो कह रहा मैं आके अपने फर्स्ट से अपने काम करने होते हैं वो सारे मेरे ना आज काफ़ी हद तक हो गए थे। अकोमोडेशन में देख रही हूँ एक दो फाइनलाइज की हैं, अब आप देखें कब तक वहाँ पे मूव करती हूँ। बाकी नेक्स्ट व्लॉग जो है वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, उसमें हम थोड़ा टोरंटो जो एक्सप्लोर करेंगे। मैंने आंटी को खुद कहा था कि आज मैंने रेस्ट करना है, आप भी रेस्ट करें, क्योंकि पता नहीं कि आज मेरा एडिटिंग का काम ज़्यादा था ना, मेरा दिल आज मैं सारी एडिटिंग वाला जो काम है कर लूँ, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मैंने एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है आपको पता होगा हुमा इन द किचन, बाजू माँ, उनसे भी मिलना है, उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने पता नहीं कितने साल पहले बाजी की वीडियो देखी थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसी। अच्छा सबसे पहले मेरा दिल है कि मैं आर्ट्स पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ना स्टेप बाय स्टेप काम चलेगा। आर्ट्स में कितने बैंड्स लेना, आर्ट्स में मेरे 7.5 बैंड्स आए फर्स्ट ट्राई में, मेरा रिजल्ट आर्ट्स का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आया था। और एक महीने मैंने तैयारी की थी, इससे ज़्यादा कि दो महीने की थी, मतलब वो ऐसे था कि क्या तैयारी क्या होती है आपकी आर्ट्स की ना। तो वही है कि मैं एकेडमी भी गई थी तो बाकी गाइडेंस के लिए थी, ज़ाहिर आपको गाइडेंस तो चाहिए, आपको पता नहीं कि आर्ट्स क्या होता है, चाहे आपकी जितनी भी इंग्लिश अच्छी हो। मेरे 7.5 बैंड्स आए हैं आर्ट्स में और उसके ऊपर मैं एक अच्छी डिटेल वीडियो बनाऊंगी फिर, जिन्होंने आर्ट्स करना उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। और बाकी मिलूंगी मैं आपसे फिर अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।